Hello students, in this video we are going to solve most important questions on heights and distance, class 10. Okay, so let's get started. See, the first question says the angle of elevation of the cloud from a point 60 meter above lake. This is lake. Okay, this is lake is 30 degree, and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. So find the height of the cloud. तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो पहले तो एक पॉइंट है जो कि है 60 मीटर अबव द लेक. तो पहले तो हमको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना होता है. तो फिगर कैसे बनाएंगे, देखो मान लो ये एक पॉइंट है विच इज 60 मीटर अबव द लेक. तो मान लो ये हमारे पास एक लेक है, दिस इज 60 मीटर हाइट. क्लियर है, समझ में आ गया. अब इस पॉइंट से एक क्लाउड आ गया एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. तो मतलब ऐसे हम एक हॉराइजॉन्टल लाइन डॉटेड वे में खींचेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. अप टू दिस मच इट इज क्लियर. अब ये लाइन तो हमको यहाँ तक खींचना ही है. अब देखो दिस इज द लाइन ऑफ हॉराइजॉन्टल, मतलब ये जो है हमारे पास ये हो जाएगा लेक सरफेस. ठीक है, अब यहाँ पर मैं सी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर हमको क्लाउड. ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन, अब देखो ये लेक सरफेस है, मान लो मैं इसको और थोड़ा सा डॉटेड लाइन में ऐसे खींचता हूँ ताकि समझ में आ जाए. मान लो ये हमारे पास जो है ये लेक है. ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ तक आएगा, दिस इज 60 मीटर. और मान लो ये जो यहाँ तक ये हाइट है, ये मान लो h है, अप टू फ्रॉम हेयर टू हेयर. समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम c टू दिस पॉइंट अप टू दिस मच इट इज h. और ये वाला जो लाइन है वो तो 60 मीटर का है. ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन देखो तो टोटल h प्लस 60 मीटर नीचे रहेगा. कैसे, इमेज जो होता है, मान लो ये हमारे पास एक मिरर है. ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट को रखूं तो इसका इमेज कितना डिस्टेंस में होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही नीचे आ जाएगा. क्लियर है, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक. क्लियर है, दैट मीन्स यहाँ से अगर h प्लस 60 है तो ये भी h प्लस 60 होगा. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इस पॉइंट से हम ऐसे लाइन को ज्वाइन करेंगे और यहां तक लाएंगे. ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा डॉटेड लाइन पे ही रहेगा. तो दिस इज गोना बी 60 डिग्री. क्लियर है, अब इस ट्रायंगल को भी कंप्लीट करना होगा हमको. ये हो गया ट्रायंगल कंप्लीट. अब क्योंकि ये हमेशा पैरेलल होता है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री ऑल्सो. अब तो कुछ बात नहीं है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे. दिस इज ए मान लो, दिस इज बी, this is C, this is D, this is E, this is F. अब हमको पूछा है कि हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब ये टोटल H प्लस 60 जो है ये कितना हो जाएगा. ठीक है, तो देखो अब कैसे करना है. पहले तो हम बोलेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो क्या बोलेंगे, H विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई AB, क्योंकि AB यहाँ पर बेस है. tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3. तो हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू √3H. कैसा है, समझ में आया. अच्छा मैं पूरा कर देता हूं. ठीक है, दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू H बाई AB. तो दैट्स वाई AB इज इक्वल टू √3H. अब क्लियर है, ये हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल जो ABC है. ठीक है, अब नीचे वाला ट्रायंगल में आ जाओ, AEF. ये हमारे पास जो था इन ट्रायंगल ABC था. ठीक है, अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल AEF. अब देखो AEF में क्या आ जा रहा है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखो तो AE डिवाइडेड बाय EF। अब ध्यान देना AE इज इक्वल टू, देखो तो BDF, ये टोटल जो लाइन है FB, ये टोटल हाइट बनेगा। तो दैट इंप्लाइज दिस इज गोइंग टू बी 60 प्लस H प्लस 60 होल डिवाइडेड बाई EF। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये हमको पता है। दिस इज गोइंग टू बी 120 प्लस H, ये भी क्लियर है, डिवाइडेड बाई अब EF। नाउ EF इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये हॉराइजॉन्टल लाइन था, ध्यान दो। दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, तो ये सेम है। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू AB ही बोलेंगे, और AB का वैल्यू देखो √3H है, तो हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे दिस इज इक्वल टू √3H, और ब्रैकेट में बोलेंगे सिंस AB इज इक्वल टू EF। बोलो यहाँ तक बात पक्की, क्लियर है, ओके। अब तो और कुछ नहीं रहा बाकी, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3H इज इक्वल टू 120 प्लस H, सो दैट इम्प्लाइज 2H इज इक्वल टू 120, दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितना आ जाएगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू, क्या बोला था, H प्लस 60 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 यूनिट मीटर में था, तो मीटर बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज एट, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक इज 120 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया, ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। द सेकेंड क्वेश्चन सेज A man standing on the deck of a ship 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree। मतलब 10 meter above the sea level, ठीक है, जहाँ पर ship है, मान लो this is going to be 10 meter, यहाँ से angle of elevation of the top of a hill, मान लो ये हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पर हम एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। बोलो बात पक्की, क्लियर है, ओके। और जो हिल है इसका बॉटम कब होगा, कहाँ होगा? ऑब्वियसली सी लेवल तक ही देखेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप। और देखो एक चीज बोला गया है, द बॉटम ऑफ द हिल, जो कि ये है, मान लो इसको हम B बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, ठीक है। तो B जो पॉइंट है वो बॉटम ऑफ द हिल है, तो बॉटम ऑफ द हिल तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैन को दिख रहा है वो बन जाएगा दिस इज 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये तो मैंने बताया हुआ है कि दिस इज ऑल्सो बी 30 डिग्री, ओके। नाउ दिस इज लेट्स से C, दिस इज D, दिस इज E, ओके। नाउ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो इन ट्रायंगल ADC में क्या है, दिस इज AD बाई CD, सो दैट इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू, अब मान लो ये हमारे पास जो है, ये इसको हम, ये तो 10 हमको पता है क्योंकि ये तो हॉराइजॉन्टल है, पैरेलल भी है, सो अप टू दिस मच इट इज 10, तो इसको हम H मान ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज H बाई CD, so that implies H is equal to √3 CD। बोलो ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है। CD जो होगा वही EB होगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप। अब इन ट्रायंगल CEB क्या बोलेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CE, मतलब 10 डिवाइडेड बाई EB, क्लियर है। सो दैट इम्प्लाइज tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बाई √3 इज इक्वल टू, बोलो वैल्यू हो जाएगा क्या, 10 बाई EB। अब EB के जगह अभी क्या बोले थे, CD बोल सकते हो। क्लियर है? तो दैट इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू 10√3 और CD को हमने अभी क्या बोला था, यस द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप। और √3 का वैल्यू अगर हम 1.732 पुट करें तो ये आंसर हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, टेकिंग √3 इज इक्वल्स टू 1.732। ठीक है, वैसे तो अगर दिया ना जाए तो 10√3 में भी अगर आंसर रखोगे तो कोई नंबर डिडक्शन नहीं होगा। और हाइट ऑफ द हिल जो कि h+10 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू h का वैल्यू क्या था, √3 CD, मतलब √3 × 10√3 जो कि अभी CD निकला था। ठीक है, +10, तो इट इज इक्वल टू 30 + 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द हिल, हाइट इज इक्वल टू 40 मीटर और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकला अभी, 17.32 मीटर। क्लियर है? समझ आया? नोट कर लो, उसके बाद अगले सवाल में भी प्रोसीड करना होगा। नोट कर लिए? ओके, चलो नंबर 3, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर and 4 meter from the base of the tower are in a straight line, same straight line with it are complementary। complementary मतलब sum of the two angles will be 90 degree। तो मान लो ये जो है ये टॉप ऑफ द टावर है, 2 पॉइंट से, यहां से एक बार और यहां से एक बार। अब बताओ कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी ग्रेटर एंगल। और ये अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लो इसको पहले तो हम फाई मान लेते हैं और गिवन दैट दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो वी कैन से दैट सिंस थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, जो चाहो। ठीक है, अब क्या बोला गया था कि डिस्टेंस इज 9 मीटर और 4 मीटर। तो यहाँ से ये अगर बेस है तो दिस डिस्टेंस विल बी 4 मीटर। ठीक, और यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 9 मीटर। तो एक बात बताओ ये क्या हो जाएगा, 9 - 4 दैट मीन्स 5 मीटर। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। मान लो इसको h बोलेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू h/4। ठीक है, सिमिलरली tan फाई इज इक्वल टू h/ टोटल डिस्टेंस क्या था अभी 9। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो tan फाई की जगह क्या पुट कर सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू h/9। दैट इंप्लाइज यहां से हमको क्या मिलेगा, cot थीटा, क्योंकि tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इज इक्वल टू h/9। दैट इंप्लाइज tan थीटा का रेसिप्रोकल भी तो cot थीटा होता है, तो विच इज इक्वल्स टू 9/h। अब देखो ये हमको मान लो इक्वेशन 2 मिल गया और ये हमको मान लो इक्वेशन 1 मिला था। तो कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस वी कैन से कंपेयरिंग 1 and 2 वी कैन से क्या बोल सकते हो, दोनों में tan थीटा है तो h/4 इज इक्वल टू 9/h। तो विच इंप्लाइज h² इज इक्वल टू 9 × 4 विच इज 36। अब बोलो हाइट मिल गया हमको, h इज इक्वल्स टू ±6 बोलना है बच्चों, क्योंकि +6 का भी स्क्वायर होता है 36, -6 का भी स्क्वायर होता है 36। तो हमको इनकम्प्लीट आंसर नहीं लिख के आना है, माइनस इज नॉट पॉसिबल, वो लिखना हो जाएगा क्योंकि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। एच इक्वल्स टू -6 इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। तो हाइट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। हो गया, समझ आ रहा है? चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल भी है। ठीक है, कुछ कुछ सम प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी कुछ सम हम देंगे, तो इसको नोट कर लिए। हो गया, चलो प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द प्लेन इज कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, फाइंड द स्पीड इन km/h। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें फिगर में ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ए, मान लो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट ए है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, तो ये मान लो ऐसे हम एक हॉराइजेंटल लाइन ऐसे खींच दिए, ये ग्राउंड सरफेस हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 में ये मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? एक फ्लाइट। तो मान लो पहले तो ये जो एंगल है, दिस इज गोइंग टू बी, क्या बोला था, 60 डिग्री। अब जब और कुछ देर वो फ्लाई कर गया एरोप्लेन, तो वो कहां तक आ जाएगा? यहां तक आ जाएगा मान लो। तो यहां से यहां तक एंगल जो हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बना अभी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो मैं इसको दोनों कलर से लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज ओवरऑल 60 डिग्री। से 60 डिग्री, और ये जो अभी एंगल बना था ये बन जाएगा 30 डिग्री, चेंजेस टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो वो कितना दूर गया? ऑब्वियसली अगर हॉराइजेंटल डिस्टेंस देखा जाए तो यहां से यहां गया, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। समझ में? ये पॉइंट ए था, तो इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EB by AB। तो दैट इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू EB। अब EB क्या था? हाइट, विच इज 3600√3। तो 3600√3 डिवाइडेड बाई AB। So that implies AB is equal to 3600√3 divided by √3, which is equals to 3600 मीटर। ये हो गया हमारे पास। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ACD, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC। implies 1/√3 इज इक्वल टू, सी डी का वैल्यू भी सेम है क्योंकि वो बताया गया है कि कांस्टेंट हाइट में था, डिवाइडेड बाय AC। अब AC को क्या हम AB प्लस BC बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू, अब AB का वैल्यू तो हमको पता था, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू 3600√3 इंटू √3। दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू, बोलो क्या बोलेंगे, 3600 इंटू 3 माइनस 3600। कहाँ से आया 3600? AB का लेंथ यहाँ से। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो इट इज इक्वल टू 7200। कैसे लिख दिए? देखो यहाँ पर 3600 कॉमन लिए, तो 3 - 1 विच इज 2। तो 3600 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इतना मीटर। अब देखो ये मीटर मतलब दिस डिस्टेंस इज 7200 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी 7200 मीटर ही होगा। अब ये कितना टाइम में फ्लाई किया, 30 सेकेंड्स। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, हमको पता है डिस्टेंस बाय टाइम। सो देयर फोर स्पीड इज इक्वल टू 7200 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स इनटू, अब किलोमीटर पर आवर में बोला गया है तो क्या बोलेंगे, 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद दिस इज 0 0 कैंसल्ड, 3 के साथ ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 240, इसके साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 40, कितना 48, ओके। सो दैट इंप्लाइज इट इज इक्वल टू 48 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर निकाल लोगे, बोलो 18 8 जो कितना होता है 144 होता है, तो 4 14 कैरी, 18 4 जो कितना होता है 72, ऐड कर लो कितना हो गया 864। तो 864 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। समझ आया, ओके, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये एक बॉय है जिसको हम पॉइंट बी मान रहे हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल बना यहाँ पर इसको और थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो बना ट्रायंगल हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 300 डिग्री। ए गर्ल स्टैंडिंग एट अ रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये जो बन गया, ठीक है, दिस इज 20 मीटर। अब इसको यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली कम ज्यादा दिखेगा क्योंकि इसका हाइट तो कम है, तो दिस वन इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, ठीक है। और ये मान लो जो है ये बर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बॉय को बी मान लिए थे, इसको मान लो हम गर्ल मान लेते हैं, ये तो पॉइंट जी हो जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट जी मान लिए, ये मान लो बी है तो बॉय, और इसको ठीक है ए ही मान लेते हैं, चलो ए जो है ये बर्ड होगी, ठीक है। बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। देखो ऑपोजिट साइड बोला था इसलिए ऐसा फिगर बनाए, सेम साइड में नहीं बनाए, ठीक है, ऑपोजिट साइड। ये बर्ड है तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये भी हो गया था, और फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, तो बोथ द बॉय एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो कौन सा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस वन और दिस वन, कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे कि ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, बोलो कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, बोलो 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 कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, क्या बोला गया है, ए बॉय स्टैंडिंग एट हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स एन एंगल एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब दिस वन इज गोइंग टू बी 100 मीटर। तो जो डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल हो जाएगा वो दिस डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहां से यहां तक वो डिस्टेंस हो जाता नहीं तो, ठीक है। तो अब देखो क्या ऐसे निकालेंगे, हमको हॉराइजन यहां पर हाइपोटेन्यूज पता है, तो पहले तो हमको ये हाइट निकाल लेना होगा क्योंकि यहां पर माइनस कर देंगे फिर 20 को, ठीक है। तो देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए दिस डिस्टेंस इज, मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो हम बोलेंगे ए सी बाई 100, तो दैट इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर। क्लियर है। देयरफॉर नाउ एजी निकालना है हमको, क्या पता है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई AG, हमको AG ही चाहिए, तो AG इज इक्वल टू AC अपॉन साइन 45 डिग्री। AC का वैल्यू क्या आया था 50, सॉरी ये AC नहीं है AE हो जाएगा, तो AE, तो AE का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाई दिस इज 1 बाई रूट 2, तो दैट इम्प्लाइज इट इज इक्वल्स टू 30 रूट 2, और यही हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। सो इसका आंसर हो जाएगा 30 रूट 2 मीटर। अब अगर बताया जाए कि रूट 2 इज इक्वल्स टू 1.414 तो वो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। समझ में आ रहा है ना, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस तो लड़के ने मापा ही नहीं, और देख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वो जो बर्ड है उसका डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं मापा है, तब तो वो एंगल बन जाता 0 डिग्री ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेलिंग टुवर्ड्स इन एयर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस डिटरमाइन द। अच्छा, एक लाइट हाउस है ऊपर, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड्स दिम, मतलब वो देख रहा है कि ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, शिप इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है, तो ऐसे हम लाइन खींचेंगे, दिस एंगल इज गोइंग टू बी कितना कितना, पहले दूर था तो दूर था इसलिए ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पास आया तो एंगल भी बढ़ेगा, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, ठीक है। और ये जो हाइट है इसका ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो इसको A, इसको B, इसको C, इसको D मानते हुए हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप और बाय द शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमको CD निकालना होगा, क्योंकि भाई CD का जो डिस्टेंस है वही ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देयरफॉर हम बोलेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई BC, सो दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई रूट 3। क्यों रूट 3? क्योंकि tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है, ठीक है, ये मिल गया हमको। नेक्स्ट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई BD, अब BD माने फिर से BC प्लस CD, हमको CD निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि BC प्लस CD इज इक्वल टू ये 100 और डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 3, तो ये बन जाएगा 100 रूट 3। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसके बाद CD निकालना था, तो CD इज इक्वल्स टू 100 रूट 3 माइनस 100 बाई रूट 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई रूट 3, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 200 बाई रूट 3। अगर इसको नीचे भी लाओगे तो ये बन जाएगा 200 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, तो इतना मीटर वो ट्रैवल किया। क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, ए फायर in a building B is reported on a telephone in 2 fire stations P and Q, ठीक है, 20 किलोमीटर apart from each other on a straight line, on a straight road, ठीक है। So P observes that the fire is at angle of 60 degree and Q observes at an angle of 45 degree to the road, so which station should send its team to start the work at the earliest। अब देखो क्या ये फिगर ऐसा बनेगा, पहले फिगर सोचो क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में पहले फिगर बनाना होता है। क्या ये फिगर ऐसा बनेगा कि मान लो ये जो है पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो पी है और ये पॉइंट मान लो क्यू है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि दिस इज 45 डिग्री छोटा बनेगा, दिस इज 60 डिग्री ये तो बड़ा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बोला गया था कि वो 20 मीटर है। तो क्या ये ऐसा बनेगा? तो भाई इसको फोनी क्यों लगाएगा? अगर ऐसा फिगर बनेगा तो लॉजिक से सोचो वो फोनी क्यों लगाएगा, वो तो डायरेक्ट पी वाले को बुला लेगा क्योंकि पी ऑब्वियसली ये पास है। तो ऐसा नहीं बनेगा, ये जो बनेगा फिगर, ये फिगर ऐसा बनेगा, दिस वन इज गोइंग टू बी द फिगर। ये पॉइंट पी मान लो और ये पॉइंट क्यू मान लो, ठीक है, और ये हॉराइजॉन्टल लाइन ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है, ये पॉइंट पी मान लो, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर बी है, मतलब यहाँ पर फायर दिख गया, टोटल पी से क्यू तक, मतलब दिस डिस्टेंस, दिस एंटायर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 20 किलोमीटर, क्लियर है, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पॉइंट क्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट दिख रहा है वो 45 डिग्री में और यहाँ से वो दिख रहा है इसको 60 डिग्री में, क्लियर है। तो अब कैसे बनाएंगे फिगर, अब हमको ये पता है कि दिस 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मान लो ए, तो ए बी बाई पी ए, और एक एंगल बनेगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें भी हाइट है तो ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यू, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस टोटल है 20, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पी ए को अगर हम x मान लें, मान लो दिस डिस्टेंस अगर x हो जाए तो ये डिस्टेंस 20 माइनस एक्स ना हो जाए ऑब्वियसली, और ए बी तो यहाँ पर फिक्स्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे पी ए मतलब x, x इज इक्वल टू ए बी बाई टेन 60 मतलब √3, और इसको हम क्या बोलेंगे ए क्यू मतलब 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू, बोलो ए बी और बोलो tan 45 कितना होता है, कुछ नहीं होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था कि डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बाकी सब हमने बना लिया था, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा देखो, तो अगर x को एलिमिनेट करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज 20 माइनस ए बी बाई √3, ऑब्वियसली x में सब्स्टिट्यूट कर दिए दिस वैल्यू ओवर हेयर, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू ए बी, सो दैट इम्प्लाइज 20 √3 क्यों किया मल्टीप्लाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू √3 ए बी, क्लियर है। या एक काम कर सकते हो, हमको एक्चुअली क्या पूछा है, हमको व्हिच स्टेशन शुड सेंड इट टीम फर्स्ट, मतलब हमको x पूछा है ना, हमको डिस्टेंस पूछा है, अच्छा डिस्टेंस पूछा है तो ऐसा ना करो, x के टर्म्स में लाओ, मतलब ab इज इक्वल टू बोल दो कि ab इज इक्वल टू √3x, तो हमको x मिल जाएगा डायरेक्टली। तो हम इसको बोलेंगे ऐसा ना बोलकर इसको x ही रखेंगे और इसको बोलेंगे √3x ताकि x के टर्म्स में आ जाए। तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू x कॉमन लिए तो √3 + 1, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया ना, ठीक है। तो ए बी नहीं निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर हमको हाइट पूछा नहीं, ठीक है, हमको एक्स पूछा था मतलब डिस्टेंस, सो देयरफॉर अब तो ये आराम से हो जाएगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √3 + 1, अगर नीचे रैशनलाइज मतलब ऐसा फॉर्म में रहे तो रैशनलाइज करना होता है, तो दिस इज 20 - 1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे 3 - 1, मतलब ये आंसर बन जाएगा 10 √3 - 1। अब इसको अगर टोटल वैल्यू पुट कर दो √3 की जगह, या तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है तो हमको बोलना भी पड़ेगा कि कौन पास है कौन दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.732 पुट करोगे तो ये 10 × 0.732 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 7.32, तो 7.32 किलोमीटर अगर ये है तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 7.32 किलोमीटर। तो ये कितना बन रहा है, दिस इज 8, दिस इज 6 पॉइंट, अब बोलो दिस इज 12। तो कौन दूर है, AQ डिस्टेंस दूर है, तो किसको बुलाएंगे, P वाले को। तो P स्टेशन शुड बी कॉल्ड, और डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना पड़ा, 7.32 किलोमीटर। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़े, चलो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर ए मैन ऑब्जर्व्स द कार ऑन टू ऑपोजिट साइड। अब जब भी ऑपोजिट साइड बोल दे, जब भी ऑपोजिट साइड बोल दे, ऐसा फिगर बनाना, बीच में हाइट, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ऑपोजिट साइड बोल दे तो ऐसा ही फिगर बनाना। अब यहां पर क्योंकि डिप्रेशन बोला है तो ऐसे पैरेलल लाइन बनाओ, और एक तरफ 45 डिग्री बोला था और एक टाइप 60 डिग्री बोला था। तो इसको मान लो 60 डिग्री और इसको मान लो 45 डिग्री। जब भी ऑपोजिट बोल दे तो ऐसा करना, और सेम साइड बोल दे तो एक साइड में, सेम साइड ऐसे ऐसे बनाना, ऑपोजिट बोले तो ऐसे बनाना, ठीक है। और 120 मीटर हाई ये तो बता ही दिया गया है। अब डिस्टेंस बिटवीन द कार पूछा, मतलब यहाँ पर एक कार है मान लो ए, यहाँ पर एक कार है मान लो बी, और ये CD जो डिस्टेंस है हमको दिया गया है, दिस इज 120 मीटर। तो आराम से निकाल लोगे, AC और CB निकालोगे अलग अलग से, मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाई AC। तो दैट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना, 120 डिवाइडेड बाई tan 60 का वैल्यू √3। तो ये आ गया हमारे पास AC, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा CD डिवाइडेड बाई CB, ठीक है। तो इम्प्लाइज CB इज इक्वल टू CD बाई tan 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो दैट इम्प्लाइज CB इज इक्वल टू CD, और CD का वैल्यू तो हमको पता ही था ना, 120 मीटर। तो therefore टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बिटवीन द कार्स, therefore डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज इक्वल टू 120 बाई √3, जिसको हम 120 √3 बाई 3 बोल देंगे, प्लस 120 मीटर, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू 40 √3 प्लस 120 मीटर। अगर 40 कॉमन भी ले लो तो ये बन जाएगा 3 प्लस √3 मीटर। अब अगर 1.732 दिया रहे, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो उसका वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, ये तो कर ही लोगे। हाँ, नोट कर लिए। देखो नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, ए विंडो ऑफ ए हाउस इज 8 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 8 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ये h है, ठीक। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बोल दे तो ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड द डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ अनदर हाउस, मतलब ऐसा बनेगा फिगर, ठीक है। पहले इसको ऐसे बनाए, ठीक है, और ये एक अनदर एंगल का, मतलब हाउस का बॉटम, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बोला गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो बनेगा अल्फा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा बीटा, क्लियर। तो ये बीटा तो ये भी बीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो लेट द डिस्टेंस बी अगर हम मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी वाई, मतलब ये हमारे पास जो है ये भी वाई बन गया और ये भी वाई बन गया, क्योंकि वो इक्वल है। और ये क्योंकि h है तो दिस वन इज ऑल्सो गोना बी h, तो इसको हम एक वेरिएबल मान लेते हैं जो कि है x, ठीक है। अब देखो ध्यान से प्रूफ करना है, ये हाइट ऑफ अनदर हाउस इज दिस, तो क्या बोलेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है। और क्या बोलेंगे, tan बीटा इक्वल टू h बाई वाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, अब देखो टोटल हाइट जो बनेगा क्या वो h बनेगा प्लस x, मतलब h प्लस x। तो हाइट ऑफ अनदर हाउस, हाइट ऑफ द हाउस इज इक्वल टू h प्लस x। अब मतलब h इन टर्म्स ऑफ x हमको, सॉरी h इन टर्म्स ऑफ h हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमको मिल जाए दिस वन, मतलब y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, y इज इक्वल टू h बाई tan बीटा। बोलो क्लियर है? तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज h cot बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। और ये वैल्यू यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था कि x इज इक्वल टू y tan अल्फा। ठीक हो गया हमारे पास है। देखो y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y का वैल्यू है h cot बीटा और tan अल्फा तो था ही। तो टोटल हाइट कितना बन गया यहाँ पर, h प्लस h cot बीटा tan अल्फा। क्लियर है? हो गया। अब देखो कॉमन ले लिए तो जो रिक्वायर्ड था प्रूफ करने को वो हमारे पास आ गया है, प्रूफ्ड। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्चुअल भी है और प्रूफ का सवाल भी है, तो आ सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद होमवर्क है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, फिर वही बात h मीटर हाई। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू विच आर इन लाइन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये एक एंगल और ये एक एंगल, और क्योंकि डिप्रेशन बोला गया है तो हमको ऐसे खींचना है। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। अब बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हमको निकालना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो, लेकिन एक बात बोला गया है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब दिस वन इज गोइंग टू बी बीटा, तो यहाँ पर दिस एंगल इज गोइंग टू बी बीटा, और ये एंगल बनेगा अल्फा क्योंकि ये छोटा है, जितना दूर जाता है उतना छोटा होता है। दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा। क्लियर? तो टेन बीटा। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये एक अगर ऑब्जेक्ट वन है तो ये एक ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा, तो इसको मान लो डिस्टेंस ए बी सी, हमको बी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, h बाई ए बी। ठीक, और tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई ए सी। अब ए सी माने h बाई ए बी प्लस बी सी, हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी सी। तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू, हमको क्या ए बी चाहिए। चलो हमको अभी तो पहले ये बात पहले से क्लियर है कि नहीं बताओ, ये बात क्लियर है कि tan बीटा यहाँ से निकला फर्स्ट ट्राइंगल को लेकर और tan अल्फा यहाँ तक मिला। ठीक है, हमको चाहिए बी सी। पहले हम क्या करते हैं, दिस इज इम्प्लाइज बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू एच बाई tan अल्फा। बोलो ये बात क्लियर है? ऐसा क्यों कर लिए, ताकि बी सी हमको ऐसे ही मिले। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू, क्योंकि बी सी हमको चाहिए, तो बी सी इज इक्वल्स टू एच, tan अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cot अल्फा माइनस ए बी। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, कितना आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू एच बाई tan बीटा। ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। ठीक है, पहले समझ लो कि कैसे करना होता है। हमको बी सी फाइंड आउट करना है तो पहले हम समझ नहीं सकते कि h निकालने बोलेगा कि b ए बी निकालने बोलेगा, पहले देख लेना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब बी सी हमको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा तो रहेगा ही, और h गिवन है तो h को भी यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ए बी का वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, h cot अल्फा माइनस ए बी का वैल्यू h cot b। ठीक है, इसको कॉमन लेंगे h को और आंसर बोलेंगे cot अल्फा माइनस कॉट बी। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? इसको नोट कर लो। इसके बाद जो ये होमवर्क है इसका स्नैपशॉट भी ले लो, पहले इसको नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिए। ओके चलो अब होमवर्क जो है उसका स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, दिख रहा है पूरा? दिख रहा है पूरा? हाँ दिख रहा है। चलो नोट कर लो, टाइम से नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो, लेकिन इसका होमवर्क का जो आंसर है इसको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। ठीक है, समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो देखना, बार बार रिपीट करना इसको। ठीक है, एग्जाम से पहले फिगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और फिगर में ही प्रॉब्लम करते हो। ठीक है, हो गया? स्नैपशॉट ले लिए, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर समझ में आया, ठीक है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और शेयर करना। ठीक है, चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। जाओ 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 पढ़ो।